फिलहाल मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग की शुरुआत अराउंड 2:00 पे हो रही है बिकॉज ऑफ कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और ये 2 दिन से हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा है मेरे सर में, कुछ पर्सनली टेंशन भी थी एंड और एक नई टेंशन बढ़ा ली सर में उसकी वजह से, और पता नहीं क्या हो रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। एक ग्रुप आया हुआ भाई साहब, एक तो वैसे ही सर में दर्द और उन्होंने बहुत ज़्यादा सर में दर्द कर दिया, इतना हल्ला कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो में आवाज़ भी आ रही हो नीचे से। और एक मिनट ध्यान दो, देखो 2 बज रहे हैं, 2 बजे का ये आतंक हो रहा है इनका। चलो कोई नहीं, बहरहाल ये है कि अभी लास्ट नाइट मेरे पास, मतलब आज की नाइट मेरे पास यहाँ काम भी बहुत कम था, तो लगभग 7:30 बजे के आसपास में मेरे पास काफ़ी गेस्ट आ गए। गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई बिकॉज वीडियो देखते देखते मेरे को आ गई नींद, मैं सो गया तो सहरी तो मतलब छूट गई, सहरी नहीं कर पाया था, बट कोई नहीं, बिना सहरी के भी रोज़े चल रहे हैं काफ़ी और पता नहीं कितने होने वाले हैं। एक तो आज को ही है, नैनीताल जाना था मुझे अर्ली मॉर्निंग और मैं उठ नहीं पाया तो जा भी नहीं पाया, अब थोड़ी लेट जाना पड़ेगा, वहाँ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम था। चलो कोई नहीं, करते हैं। थोड़ी टेंशन हल्की हो गई है अभी, हल्की क्या हो गई है, मतलब लगभग ख़त्म ही हो जाएगी थोड़े दिन में। चलो उठते हैं अभी और रेडी होके फिर चलते हैं रात को, कपड़े भी नहीं चेंज कर पाया, फिर से करने पड़ेंगे। एंड गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैंने कल रात को डिसाइड किया है, थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, बिज़ी तो रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट और बिज़ी हो जाऊँगा इसमें मैं 365 डेज यानी डेली 365 दिन मैं ब्लॉग करने की सोच रहा हूँ, अपनी लाइफ को कवर करने की सोच रहा हूँ। पहले भी मैंने किया था लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाया था जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। अब वापस से सोचा मैंने, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता है मुझे, काम तो होता है लेकिन मतलब मेरे को तो वैसे भी घूमना फिरना और इधर ही उधर ज़्यादा पसंद है, बाकी का काम तो सारा स्टाफ ही करता है, तो वापस से सोचा है। आप सभी का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिलता है एंड थोड़ा और हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें सोचा है मैंने, एक टाइम फिक्स करेंगे, या तो हम मॉर्निंग में अपलोड करेंगे अपना वीडियो या फिर हम इवनिंग में करेंगे, तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम रखेंगे जिससे कि लोगों को ये रहेगा इस समय वीडियो अपलोड होता है, तो जो भी मेरे चाहने वाले हैं या जो मुझे देखते हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा और वो एक टाइम निश्चित कर लेंगे, इस समय उन्हें उसका ब्लॉग देखना है। तो चलिए अब देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वैसे ये मैंने डिसाइड कर लिया और फाइनल भी कर दिया, कल रात को ही किया था, तो चलो अभी फिलहाल रेडी होता है उठकर, चलो अभी रेडी होते हैं फिर। फाइनली आई एम रेडी फॉर टुडे गाइज, और मेरे सामने जो व्यू है ना बॉय बहुत अल्टीमेट है, और इस व्यू के साथ में ये जो घर है ना वाइट वाला, आँख खुलते ही सबसे पहले मेरे को ये घर नज़र आता है और मेरे को बहुत प्यारा लगता है और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया एक तरह से, तो लाइफ में कुछ इस तरह का सोचा इंशाल्लाह, अगर सपोर्ट रहा तो कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत ही शानदार है, क्योंकि मेरा जो बेड है तो मैं जैसे ही वहाँ से उठूँगा और ये कर्टेन को मैं कभी बंद नहीं करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ उसको, तो सबसे पहले ये बेड से मेरी नज़र यहीं जाती है। चलो बहरहाल अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, और ऊपर आई मीन रेस्टोरेंट में, और स्टाफ को समझा देते हैं, यहाँ के लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, तो बहुगुणा जी रिसेप्शन पर आ गए, बाकी स्टाफ किचन में है, साफ सफाई चल रही है और जो हमारे गेस्ट हैं उनका ब्रेकफास्ट होना है अभी, तो उसकी प्रेपरेशन चल रही है अंदर अंदर भी, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या क्या तैयारी है आज अपने पास? मिक्स वेज जो तैयारी है, जो तैयारी है इनका ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी मिल जाएगी, आलू पराठा मिल जाएगा। अच्छा,
अच्छा, हमारे किचन के सैफ साहब कमलेश जी, उनके हाथ का जो टेस्ट है वो अभी तक आपने नोट किया होगा। अभी तक का जिसने भी रिव्यू दिया हमें वो एक नंबर का मिला है। तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं कुछ बिलिंग का सिस्टम बता देता हूँ हमारे स्टाफ को किस तरह से करनी है। कब रखे ना वो ले आओ। दिया बिलिंग का बट प्रॉपर तरह से अभी कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वो कुछ चीज़ें उसमें काम नहीं कर रही हैं। तो काफ़ी हम पैक कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। अभी स्टॉल पर फ्रूट है, अपना फ्रूट और ये सब लगाने वाले हैं। बाकी पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हैं और इसकी सफाई करानी है। एंड देन मुझे जाना है अभी नैनीताल कुछ काम से, तो अभी मैं बाई स्कूटी नैनीताल जाऊँगा। तो रात वाले गेस्ट यहाँ इंजॉय कर रहे हैं गार्डन में, एंड यहाँ सब लोगों का सबका काम बता दिया। इस पर भी काम होना है, ये पिलर है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बोर्ड बनना है। वो लगभग रेडी हो गया, यहाँ रखा है, लेकिन आज लगा देंगे हम इसे। मैं जा रहा हूँ फिरोज भाई, ठीक है। एंटर करते ही मैंने अपना हेलमेट लगा लिया। थोड़ा सा आगे चेकिंग होती है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी होगी। हेलमेट तो वैसे भी नॉर्मली यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये अपनी सेफ्टी है, बट कोई नहीं, मैंने फिलहाल पहन लिया। फाइनली पहुँच गया हूँ जामा मस्जिद के सामने नैनीताल में, एंड घर के बहुत करीब में खड़ा हूँ मैं। एंड सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ से, एक होम स्टे है जिनका कल से कॉल आ रहा है मेरे पास, एक बार आ जाइए मीटअप करना है हमें। तो कुछ चीज़ें बुकिंग्स के रिगार्डिंग उन्होंने बात करनी है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा पहले। एंड उसके बाद में फिर मुदस्सिर भाई के पास भी जाना है, कई सारी बुकिंग्स क्लियर करनी है, उनकी बुकिंग पड़ी है मेरे पास में। तो ऑन कॉल कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही थी, फिर मैंने कहा जी यहाँ आऊँगा तो मिल लूँगा और कर लूँगा। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से। कल हम पहुँच गए घर पे, यहाँ कर दिया स्कूटी पार्क, एंड सामने अपनी लवली खड़ी है। अब हम चलेंगे अपनी लवली से आयरपाटा, हमारे घर के थोड़ा सा ऊपर ही है। मतलब ये मेरा वाला घर भी आयरपाटा में आता है, बट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है जहाँ हमको जाना है। तो पहले गाड़ी को टर्न कर लेते हैं, पीछे भी गाड़ी लगी हुई। फिलहाल अपना एक काम निपट गया, एक छोटी सी मीटिंग थी वो कंप्लीट हो गई, अभी चलते हैं वापस घर की तरफ को। ये जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें एक होम स्टे है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो ये मेरे को दिखाना था इन लोगों ने, अभी देख लिया मैंने। बहुत सारी बातें हुई, हो गई क्लियर,
फिलहाल मैं जा रहा हूँ मुदस्सिर भाई के पास, स्टार गेस्ट हाउस। उनकी काफ़ी सारी बुकिंग्स मेरे पास पड़ी हैं जो पेंडिंग है, आज जा करके क्लियर करते हैं उन्हें। फ़ोन पर कई चीज़ें हो नहीं पा रही थी, उन्होंने कुछ बुकिंग्स पहले की भी थी तो वो मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया है। अभी जा करके उनको बताता हूँ और क्लियर करता हूँ कौन सी बुकिंग है क्या है, और उनसे मिल भी लूँगा क्योंकि वो लखनऊ थे बीच में, शायद कल ही आए वो, तो कल रात को मैसेज किया उन्होंने, तो उनसे मिल के फिर चलेंगे, फिर घर पर चलेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे भीमताल। फिलहाल गाड़ी पार्क कर दी है स्टार गेस्ट हाउस के सामने, गेट के बिल्कुल बगल में, मतलब गेट पे ही लगा दिए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है पार्किंग का, और मुझे ज़्यादा देर का काम भी नहीं है, 10-5 मिनट में हो जाएगा मेरा काम। अरे कोई है क्या? चाचा चाचा मुदस्सिर भाई, तो भाई अभी वेट करना पड़ेगा बिकॉज मुदस्सिर भाई शायद नीचे गए कहीं, फोन क्या कह रहे हैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए जाना होगा। हेलो बॉस, कैसे हैं आप? आस्ता बढ़िया है इरादा, तुम अपना बताओ। मजनू लग रहे हो। ईद में नमाज पढ़ के मुझ बाजू भागते हैं। हाँ, गले मिलने की जगह सीधे गायब, बुलाना पड़ जाए, बुलाना घर पे ना चले जाए, कहीं नमाज ना करनी पड़ जाए, पैसा ना खर्च हो जाए, कहीं टाइम ना खर्च हो, टाइम तो खैर है ही, खर्च का टाइम के लिए कौन सा यहाँ बिजी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई है, लेकिन एंड आपका भाई जा रहा है अभी यहाँ से होटल मोरा भीमताल, बट 1 मिनट का काम सिर्फ घर पे रह गया बिकॉज मेरी जेब में चाबी आ गई स्कूटी की, और स्कूटी घर पे खड़ी है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो वो चाबी मेरी जेब में रह जाएगी, काम हो नहीं पाएगा, इसलिए वो चाबी देकर फिर निकल रहे हैं यहाँ से भीमताल को। एंड सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रहा है, बहुत ही शानदार धूप निकल रही है, बट यहाँ धूप का पता नहीं लग रहा, मतलब गर्मी नहीं हो रही है ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मली लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जैकेट स्वेटर भी पहनकर घूम रहे हैं गाड़ी में, लेकिन काफ़ी गर्मी हो रही है अभी। और मुदस्सिर भाई का फ़ोन आया है, वो सामने खड़े हुए हैं जहाँ पे एंट्रेंस गेट है पार्किंग का, तो उन्हें भी ड्रॉप करते हुए चले जाऊंगा। चलो फिर ठीक है, जाओ ओके बाय। भाई चाबी और दे देते हैं, उसके बाद चलने, काफ़ी लेट हो गए, वहाँ पे बहुत सारे काम थे वेल्डिंग वगैरह के, वो कराने थे, और लेट हो गया हूँ मैं। फाइनली चाबी अभी सब दे दिए, यहाँ के काम सब ख़त्म, अब चल रहे हैं यहाँ से होटल। गाड़ी पार्क कर दिए, इधर चल रहा है स्टॉल का काम, इसकी थोड़ा सा छत बनानी है क्योंकि सारे फ्रूट सूख रहे हैं हमारे, और ये सामने एक बोर्ड बनाया हमने जो कि होटल मोरा एंड रेस्टोरेंट लिखा जाएगा, तो यहाँ पर फ्लैक्सीज आनी है, ये भी सारे काम लगभग हो चुके हैं। चलो बाहर के सारे काम लगभग हो गए, अभी मुझे ऑफिस का कुछ काम देखना है। तो फिलहाल हमारे अकाउंट्स के काम भी निपट गए हैं एंड बाहर के कुछ काम चल रहे हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने हेयर कटिंग कराने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए तो सोच रहा हूँ इन्हें छोटा करा दूँ, जबकि बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और बहुत सिल्की हैं, तो मुझे प्यार भी बहुत है उनसे, पर मैं कटवा रहा हूँ किसी वजह से। ले लो चाबी, इसमें गियर अपने पड़ते हैं। हाँ, इसमें गियर खुद ही डल जाते हैं।
सिर्फ सेविंग कराई थी मैंने, फिर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे काम था, मैं जल्दी आ गया, तो कल से मेरे पास किसी का मैसेज भी आ रहा है। जी है, बात तो मतलब बहुत अच्छे हैं। खोल दो भैया, लॉक कर दो। आओ सही लग रहा बढ़िया। ऊपर से भी खसक खत्म करा दो। क्यों गंजा वंजा करोगे कैसे अब? सही लग रहा है ऐसे। तो फिलहाल मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ अभी। अरे वाह कैसा लग रहा हूँ मैं। तो अभी करते हैं इफ्तारी की तैयारी, बिकॉज काफ़ी लोग आज इफ्तारी करने वाले हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो वेल्डर हैं जो काम कर रहे हैं उन सबको मैंने इनवाइट किया हुआ है। और किचन के अंदर क्या चल रहा है देखते हैं। किचन में भी तैयारी लगभग चल रही है, नाजी भाई भी करवा रहे हैं, और वहाँ से आपको ले लेना, कैश भी लेना था आपने। ये क्या है? अनार। अनार के दाने लाल लाल। तो ये ऐसा क्या है, ये इतना गंदा सा क्या हो गया? तो ये इतने गंदे अनार है। तो फेंको, जो बेकार है फेंक दो सबको। अनार कहीं पिला देना, कभी बीमार कर दो। डालू? हाँ, कहाँ अनार का जूस? अच्छा, ये ऐसा कैसा क्या क्या हो रहा है इसमें? ये कलर मिक्स जूस है ये, केला अनार और क्या? केला नहीं है इसमें, अनार अंगूर है। अनार अंगूर और केला? केला नहीं है, दूध। तभी तो इसका कलर तो बड़ा भद्दा सा हो रहा है। दूध पड़ गया ना इसमें। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं कैसा टेस्ट होगा इसका। हाँ लेकर के आओ। और खजूर वजूर कहाँ है? अरे यार पैकेट तो मंगा लो। आ जाओ बहुगुणा जी, लाइट ऑन कर लो, इधर आ जाओ। ये टेबल एक और ज्वाइन कर लो इसमें, ये वाला, ये इधर रख लो यार, इधर ले लो ना, ये बड़ा है। और ये ही है बस? अरे वो अनन्नास होगा, वो कटवा लो। रखे तो ये एक इसलिए रखे हैं, लेकिन निकलवाओ इसे, ये लो। और कौन सा फ्रूट है? ये देखो इसमें संतरे वंतरी पड़े होंगे, के ये रखे अंगूर। और देखो इसके अंदर और भी रखा है कुछ है, अनन्नास निकाल दिया, वो दे दिया मैंने, ये लो, ये पकड़ो। ये क्या? पता नहीं क्या, जो भी है काटो। खरबूजा होगा ये? खरबूजा तो है, नेपाल का खरबूजा है ये, नेपाल का। अरे कहाँ हो, कहाँ हो, अरे कहाँ हो? ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं गाइज रूम के अंदर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई आज और हम थक भी गए हैं। बैग उठाते हैं, आई मीन लैपटॉप, और रूम के अंदर चलते हैं, कुछ एडिटिंग करेंगे और कुछ बिल विल भी बनाने हैं मुझे दिल्ली के, तो वो भी क्लियर कर लेंगे। आ गया हूँ गाइज रूम में, अपने साथ अपना लैपटॉप लेकर के आ गया हूँ, बिकॉज मुझे एक बिल बनाना है एंड आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो काफ़ी थक भी गया हूँ। थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे एंड नमाज की तैयारी कर लेंगे,
तो थोड़ा रेस्ट करके नमाज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ब्लॉग व्लॉग भी देखते हैं क्या होना है, एडिट भी करना है। तो अभी ब्लॉग भी एडिट करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा मतलब, और ये सब क्लियर करने के बाद ही। सो फाइनली ब्लॉग एंड कर देते हैं, बिकॉज नमाज पढ़नी है, एडिटिंग करनी है, एक आध बिल भी बनाना है मुझे कुछ ऑनलाइन दिल्ली वाला, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो फिलहाल वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ कमेंट कर देना कैसा लग रहा है मेरे हेयर स्टाइल, क्योंकि मैं मतलब कम रखता हूँ उस तरह के, वैसे तो मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हेयर स्टाइल रखे हुए हैं। चलो बाय।